हेलो नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाला है वैरायटी की तरफ से आने वाले माइक्रो सोल्डरिंग आयरन के बारे में, जो कि बहुत ही किफ़ायती आयरन है इस प्राइस रेंज में। इसकी प्राइस मैं आपको आखिरी में डिस्कस करूंगा, जब तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों एक और बात बता दूं कि ये काफ़ी लो वोल्टेज पे चलता है, बहुत 18 वाट पे चल जाएगा ये आपको, और 53% तक आपकी एनर्जी सेव भी करेगा, और इसमें कोई लीकेज यानी कि करंट वरंट नहीं मारेगा ये आपको। तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं अंदर से इसका लुक। तो अंदर से इसका लुक दोस्तों काफ़ी सिंपल है। एक पेन रखा हुआ है और इसमें रखा हुआ है इसका एक एलिमीटर, जो कि देता है इसको 18 वाट की पावर, जिससे कि ये अपने आप को बहुत तेज़ी से गर्म कर लेता है इसका पेन, और काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसके साथ में आने वाला पेन, जो कि बहुत तेज़ी से हीट होता है दोस्तों। इसको मैंने काफ़ी चलाया भी है दोस्तों, 1 हफ्ते तक लगभग मैंने इसको खुद यूज़ किया है, इसीलिए आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका जैसा ही एक मैं लो क्वालिटी का भी लाया था आयरन, बाकी वो क्या हुआ कि बहुत जल्दी शॉर्ट हो गया और वो काम नहीं कर रहा है। बाकी इसको काफ़ी समय हो गया मेरे पास और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, और इसको आप मतलब प्लग। तो दोस्तों जल्दी से अपन कर लेते हैं इसको पावर ऑन और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। तो मैंने इसको कर लिया है पावर ऑन, और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसकी जो टिप है अभी नई नई है, क्योंकि मैंने इसको 1 हफ्ते तक लगभग यूज़ करा है, इस कारण से इसकी टिप भी ब्लैक है काफ़ी। और इसमें एक स्विच भी दे रखा है, रेगुलेटर स्विच, जो कि हीटिंग को लो और हाई करने का काम करता है, जिससे कि आप आपके बारीक से बारीक कंपोनेंट को भी आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपन हाई वोल्टेज पे या ज़्यादा गर्म रहता है आयरन और लगा देते हैं कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट उखड़ जाता है उस जगह से गर्म होकर, और अपने इसमें चिपक जाता है पेन में। तो इससे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि आप रेगुलेटर को हाई और लो वोल्टेज पर सेट कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी मार्केट में कीमत है दोस्तों 500 रुपये, 450 से 500 रुपये के बीच में ये मार्केट में मिलने वाला एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो कि बहुत शानदार तरीके से काम करता है दोस्तों। मेरे को भी इसको यूज़ करते करते करीबन 1 हफ्ता हो गया है, और इससे पहले कि मैं एक और ला चुका हूँ आयरन, जो कि बहुत बकवास तरीके से काम करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है, ये वो आयरन जो मेरे पैसे बिगाड़े है जिस आयरन ने। इसको मैं मार्केट से 250 रुपये का लाया था दोस्तों, और ये आयरन क्या हुआ है कि गर्म होना बंद हो गया है। अब इसमें लाइट तो ब्लिंक कर रहा है, मतलब पावर तो ऊपर तक आ रहा है, और दोस्तों साथ के साथ में इसमें कोई भी आयरन गर्म नहीं हो रहा है, कोई भी पेन गर्म नहीं हो रहा है। दिक्कत इसमें ये आ जाती है कि आप यूज़ करते रहोगे, और फिर ये क्या होगा कि गर्म तो होगा, हीट तो होगा, अपन बहुत देर बाद होगा, और किसी भी सरफेस पे टच करने पे ये तुरंत अपना वोल्टेज लूज़ कर देगा, जिससे कि ये बहुत ठंडा हो जाएगा वापस, और आपको प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जैसा अभी भी ये ठंडा हो गया है, और ये देखिए मेरा जो नया वाला है ये काफ़ी इससे हेवी भी है, और ये जो है मेटल में है। आप कभी भी लेने जाए तो ऐसी हेवी चीज़ ही लाए, क्योंकि लोकल ये प्लास्टिक का जो रहेगा ये आपको काम नहीं आएगा, और साथ ही साथ आपके पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। और इसमें एक दिक्कत ये भी आती है नॉर्मल में, कि इसमें जो है ये हेवी है, तो इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करेगा। आप इसके पास में एकदम कान ले जाओगे तो भी ये वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और जो लोकल रहता है ये क्या वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करेगा, ऐसी कुछ आवाज़ करेगा, और उससे कि क्या होगा कि इसमें जो भी कंपोनेंट है लोकल है, इस कारण से वो सही से वर्क भी नहीं करेगा, और गर्म होकर हीट होकर जल्दी ख़राब हो जाएगा, और ये हीटिंग बहुत कम होती है। फर्स्ट आपको ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि कोई भी आप इस तरह का आयरन लेने जाते हो तो कंपनी का लाए, और कंपनी का नहीं भी लाते हो आप तो साथ में ये भी देखें इसमें कि वाइब्रेशन ज़्यादा तो नहीं कर रहा। वाइब्रेशन अगर ज़्यादा करता है तो जल्दी ख़राब हो जाएगा ये, क्योंकि अंदर से आएगा एल्यूमिनियम का। इसके रेगुलेटर को ज़रूर टेस्ट करें, क्या करें कि आप इसको प्लग करते से इसका वोल्ट रेगुलेटर घुमाइए, थोड़ा कम घुमाना, तो उससे क्या होगा कि ये आपको कम हीट होएगा, मतलब कि ये सही है रेगुलेटर भी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ।